देखा जामिया पे अटैक हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ, जेएनयू पे अटैक हुआ, ये लगातार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अटैक क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि सवाल जो करता है वो देश का यूथ करता है, जो पढ़ा लिखा तबका, जो इंटेलेक्चुअल तबका सोसाइटी का, वो करता है। जब लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर कोई सवाल करने वाला रहेगा नहीं, फिर लड़ाते रहो लोगों का आपस में, कभी मंदिर के नाम पे, कभी तीन तलाक के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, तो वही साजिश है। आप सोचिए कि जो हिंदुस्तान की जो सबसे, आप देखिए कि इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हैं, चाहे वो एमयू हो, जामिया हो, जेएनयू हो, इसको इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ के खिलाफ कहीं से आवाज़ उठती है तो वो इसी तीन चार इंस्टीट्यूट से उठती है। पढ़े लिखे तबके जो हैं वो सवाल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो पढ़े लिखे तबकों को ही अपना दुश्मन क्यों बनाना चाहते हैं? इसीलिए बना रहे हैं कि ये लोग पढ़ने ना पाए। ये पढ़े कहाँ से? जियो यूनिवर्सिटी से पढ़ें, ये पढ़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ें, और वही कंटेंट पढ़ें जो सो कॉल्ड संघ चाहता है, जो सो कॉल्ड नागपुर चाहता है, जो इनकी गवर्नमेंट चाहती है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में पढ़ने की भी आज़ादी नहीं है, बोलने की भी आज़ादी नहीं है। हिंदू बनाम मुस्लिम का जो विमर्श था वो काफ़ी सालों तक इस देश में रहा, पिछले कई दशकों से। कास्ट का जो विमर्श है वो काफ़ी दशकों से रहा, अब एक नया विमर्श खड़ा किए जाने की कोशिश की जा रही है, वो दक्षिण पंथ बनाम वाम पंथ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है? ये जो पॉलिसी बहुत पुरानी चली आ रही है, डिवाइड एंड रूल वाली, पहले गोरे लोग करते थे, अब काले अंग्रेज पैदा हो गए हैं तो ये उस पॉलिसी को अपना रहे हैं। मगर मैं आपके ज़रिए हिंदुस्तान की अमन पसंद आवाम से, हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी आवाम से अपील करूँगा कि निकलिए। अगर आज आप खामोश बैठ गए तो यकीन मानिए मुल्क टूट जाएगा, फिर हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेगी। इस हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में खूबसूरती ये थी कि यहाँ पर अनेकता में एकता है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है, उसी खूबसूरती की, उसी शिनाख्त को तोड़ने की साजिश हो रही है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की अलग पहचान ही ये थी। अब देखिए कोई भी एक बाग है, अगर उस बाग में सिर्फ गुलाब का फूल रहेगा तो उसकी खूबसूरती नहीं है। अच्छा देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत ख़राब है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो प्रशासन किसके इशारे पर काम कर रहा है? ख़राब नहीं है, ख़राब किया जा रहा है। हाँ, क्यों? एमयू का मैं बताऊं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कि वहाँ पे 10 दिसंबर से प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत पीसफुली, जिस दिन लोकसभा में बिल पास हुआ, मगर 15 दिसंबर को जानबूझ करके वहाँ का वीसी और सो कॉल्ड आईपीएस रजिस्ट्रार कैंपस में पुलिस घुसा करके कहता है कि सुबह मुझे 8 बजे तक पूरा कैंपस खाली कर चाहिए। आप सोचें कि 22,000 लड़कों को रातों रात पलायन करा दिया गया, क्या हम फिलिस्तीन में जी रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है? वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे स्टूडेंट थे। क्या आपको लगता है सब सरकार के इशारों पे किया जा रहा? बिल्कुल, ये लोग पपेट बन करके, गवर्नमेंट के हैंड बन करके काम कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से, इनको कोई मतलब नहीं है इदारे से, इनको कोई मतलब नहीं है। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसके अंदर लिखा हुआ स्टैट्यूट कि आप इस तरह जोर जबरदस्ती करके उसकी खाली नहीं करा सकते, या तो आप सैंडाई करिए, जॉन पेपर सैंडाई भी नहीं कर रहे हैं कि इनके ऊपर ब्लैक स्पॉट लग जाएगा, इनके ट्रेनियर में अनऑफिशियल सैंडाई करके लड़कों को खाली कराया गया, 5 लड़कों के बुलेट लगे हैं, डबल बुलेट लगे, आंसू गैस के शेल आके हाथ में फट गए, 2 लड़के जीआरएफ क्वालिफाइड, उनका पूरा हाथ ब्लास्ट हो गया, जो नुकसान हुआ, जो शीशे टूट गए उसको आप दोबारा रिकवर कर लेंगे, मगर जो बच्चे साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में गए हैं, एक बच्चा गंगाराम ने अभी 4 दिन पहले डिस्चार्ज हुआ है, वो इतना डिप्रेशन में है कि वो कोमा में जब उठता है तो सिर्फ ये कहता है कि पुलिस वाले मुझे मार रहे हैं, बचाओ। आप उसको रिकवर कर पाएंगे? वो कह रहे हैं मैं पढ़ने नहीं आऊँगा एमयू के अंदर। आपके बाप के इदारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।